कैसे हो आप? आई होप आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी नाइन्थ क्लास, इसमें हमने चैप्टर वन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। लास्ट तक हमने एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड प्रॉपर्टी को ठीक से एक्सप्लेन किया था और उनके एग्जांपल्स को आपको समझाया था। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को यहाँ डिस्कस करेंगे और हमने आपको टास्क दिया था कि आप घर पर एक्सरसाइज 1.6 को पहले करके देखिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर करी होगी और काफी स्टूडेंट से हो भी गई होगी, ठीक है? क्योंकि अगर आपने क्लासेस को ठीक से देखा है, चीजों को ठीक से समझा है, तो ना होने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो उसके लिए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लास आज छोटा ही होगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं, ठीक है? फिर बाद में समराइज करेंगे क्या क्या हमने आज सीखा है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या हमने सीखा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट है आपके पास 64 की पावर हाफ, तो सॉल्व करके कितना आएगा? तो गाइस, जो आप देखते हैं कि 64 क्या है, 2 का पावर 6 है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, तो ये कितना आएगा सॉल्व होकर? इस 64 को आप लिखोगे 64 का पावर हाफ है, ये लिख देते हैं अभी, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और इसका पावर हाफ। तो यहां हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी? यहां हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वी नो दैट a^m/n इज इक्वल टू क्या आता है? a^m (n) आता है, ठीक है? इसलिए 2 की पावर 6 की पावर हाफ हो जाएगा 2 की पावर 6 × 1/2, ये कितना आ जाएगा? 2 से 6 3 times divide हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो 2 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड का सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड को आप देखेंगे तो 32 to the power 1/5, अब 64, 32 का डबल है, तो 64 कितना था? पावर 6 था, तो 32 कितना है? 5 पावर है 2 का, तो 2 का पावर 5 का पावर 1/5। अब आप समझ ही गए होंगे, ये वाली आइडेंटिटी यहां भी लगेगी, तो ये पूरा लेंगे उसका मैं लिखेंगे, है ना? वी नो दैट a^m/n इज इक्वल टू a^m (n), दैट इज वाई 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 डिवाइड 1 × 1 = 1, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या है? आता है 2 ही आता है गाइस, ठीक है? आप थर्ड को देखिए, थर्ड है आपका 125 to the power 1/3, तो अगर मैं 125 को लिखूं तो 125 होता है 5 × 25 × 125, यानी के 125 इज इक्वल टू क्या होता है? 5 to the power 3 होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां करेंगे आप। क्वेश्चन है आपका 125 to the power 1/3, 125 to the power 1/3, इट मींस 5 to the power 3 to the power 1/3 मींस 5 to the power 3 × 1/3। देखिए आपके यहां स्टेप के मार्क्स होते हैं, इसलिए हर स्टेप को लिखिए, है ना? फिर यहां ये लाइन बीच में जरूर डाल दीजिएगा आप, ये वाली लाइन को करने से पहले, वी नो दैट a^m/n = m(n), फिर ये लाइन लेकर आना है आपको, ठीक है? 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 5 to the power 1, मतलब 5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्लियर, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 9 to the power 3/2, फर्स्ट पार्ट है, चलिए इसको इधर कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो 9 to the power 3/2, अब 9 को आप देखेंगे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 to the power 2 to the power 3/2। आप वही, वी नो दैट, ठीक है,
a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n. तो इसलिए 3 टू द पावर 2 क्या दे आर 4 टू द पावर 2 इनटू 3 बाय 2 2 से 2 कैंसिल दे आएगा 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 का मतलब 3 इनटू 3 यानी कि 27 आपका फाइनल आंसर है गाइस ठीक है। फिर सेकंड पार्ट पर आइए 32 टू द पावर 2 बाय 5 32 द पावर 2 बाय 5 इट मींस ये है 2 का पावर 5 ठीक है ये याद हो जानी चाहिए आपको 2 का पावर 5 टू द पावर 2 बाय 5 आप चाहें तो बीच में एक बार दिखा सकते हैं 5 टाइम्स लिखकर 2 इनटू 2 इनटू 2 यहां लिख लीजिए 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इसके इक्वल है 32 के इक्वल ठीक है। अब यहां सॉल्यूशन यहां से शुरू कीजिए अपना सॉल्यूशन तो आपने ये शुरू किया है फिर आइडेंटिटी ये वाली लगेगी ये लाइन तो यहां लाएंगे आप इसके बाद देयरफॉर 2 का पावर 5 इनटू 2 का पावर 1 अपॉन 5 5 से 5 कैंसिल देन 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 कितना आता है 4 आता है गाइस। एग्जांपल्स आप लोग कर चुके हैं तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है इसको समझना ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड में 16 टू द पावर 3 बाय 4 इट मींस ये 32 का हाफ है 32 के क्या था 2 का पावर 5 था अब हाफ से ये मत कर देना कि 2.5 आएगी पावर ठीक है मतलब 16 into 2 32 आएगा तभी 2 का पावर 4 आएगा 2 का पावर 4 सीधे कर रहा हूं अब इसको मैं क्योंकि बात आप समझ चुके हैं और ये 3 by 4 फिर 2 का पावर 4 into 3 by 4 4 से 4 ये कैंसिल 2 का पावर 3 2 टू द पावर 3 इज 8 इज योर फाइनल आंसर गाइस ठीक है। फिर नेक्स्ट 125 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 ठीक है तो 125 का मतलब होता है 5 टू द पावर 3 ये तो आपने लिखकर बता दिया। अब सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं आप सॉल्यूशन में 125 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 है ठीक है तो ये 5 टू द पावर 3 होता है 5 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 अब पावर और फिर ब्रैकेट के बाद एक पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा वी नो दैट a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इनटू n विद साइन जो भी साइन होगा तो यहां पर देयरफॉर हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इनटू माइनस 1 अपॉन 3 ठीक है इनटू बीच में लगाना भूलना अगर आपने ऐसे लिख दिया 3 माइनस 1 अपॉन 3 तो ये गलत हो जाएगा इसका मतलब 3 में से हम 1 अपॉन 3 माइनस कर रहे हैं बीच में इनटू का लगना बहुत जरूरी है कि ये 3 और माइनस 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम अब 1 इनटू माइनस 1 क्या आएगा माइनस 1 इसका मतलब ये आएगा 5 टू द पावर माइनस 1 और a टू द पावर माइनस n क्या होता है 1 अपॉन n यानी कि 1 अपॉन 5 इसका फाइनल आंसर आएगा क्यों यहां इसको लिखने से पहले आप ये लिख सकते हो चलिए कलर चेंज कर देते हैं वी नो दैट a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ ये आपका फाइनल आंसर था ये भी आपका फाइनल आंसर था। आई होप गाइस दिस इज क्लियर ये छोटी एक्सरसाइज है इसमें पार्ट्स में दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कितने 3 पार्ट्स थे या 4 पार्ट्स थे सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन में भी 4 पार्ट्स हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहां ले लीजिए थोड़ा जगह कम ना पड़े आप 2 टू द पावर 2 बाय 3 इनटू 2 टू द पावर 1 अपॉन 5 अब आप जानते हैं जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है प्लस होती है तो पहला तो सॉल्यूशन में लिखने से पहले यू नो दैट a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n ठीक है therefore 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 upon 5 is equals to 2 to the power 2 by 3 plus 1 upon 5 तो यह आ जाएगा आपका 2 to the power
थ्री और फाइव कैल्शियम 15 आएगा ना, 3-5 कैल्शियम कितना आएगा 15 आएगा, एल्शियम लेना तो जानते हैं आप लोग, 3 और 5 का वो नंबर, वो छोटे छोटे नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए, तो बड़े वाले टेबल से देख लीजिए, 5 1 जा 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 2 जा 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 3 जा 15 15 3 से डिवाइड होता है, 5 3 जा ये 3 5 जा 15 होगा, 5 3 जा 15 होगा। अब 3 से 15 5 टाइम जाएगा, उस 5 से इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 आएगा ये, प्लस इस 5 से ये 15 3 टाइम जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे, 3 1 जा 3 आएगा, बीच में वो साइन आएगा जो बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 टू द पावर 13 अपॉन कितना आ गया 15, यही आपका फाइनल आंसर होगा, 2 का पावर 13 अपॉन 15। फिर नेक्स्ट वन अपॉन 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1 अपॉन 7, तो ये होल पावर है, तो इसका मतलब आप जानते हैं ना, वी नो दैट ए अपॉन बी की होल पावर अगर एन है तो ये ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन होता है, ट्रू है ये बात, तो देयरफॉर वन अपॉन 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 का मतलब हुआ 1 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7, और 1 टू दी पावर 7 तो 1 ही आएगा, 1 का तो कुछ भी पावर करोगे क्या आएगा, 1 आने वाला है, तो 1 अपॉन, अब यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला, a टू दी पावर m टू दी पावर n, यानी कि 3 टू दी पावर 3 इंटू 7 ब्रैकेट में डाल दो, बिकॉज a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है, दैट इज वाई 1 अपॉन 3 टू दी पावर 21। अब आपको ऑप्शन में मतलब आंसर आपको 1 अपॉन 3 टू दी पावर 21, तो अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो 3 टू दी पावर माइनस 21 भी हो जाएगा, कैसे भी आंसर दे दीजिए, यहां तक भी आप छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तब रिक्वायर्ड था जब आपको ऑप्शन दिया होता है ना, मतलब इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 टू दी पावर माइनस 21, तो ये भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, चलिए थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है, नेक्स्ट, अब मैंने क्वेश्चन यहां लिख लिया है, फिर नेक्स्ट पेज पर जाना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। अब यहाँ 11 टू दी पावर हाफ अपॉन 11 टू दी पावर 1/4 है, तो इसका मतलब हुआ सेम बेस है डिवाइड में, सेम बेस में पावर क्या होती है डिवाइड में माइनस होती है, सेम बेस में मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो वीनो तीनों ही लिख देते हैं, बाकी समझ लेना आप लोग, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n होता है, पता है आपको, देयरफॉर 11 टू दी पावर हाफ अपॉन 11 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 टू दी पावर हाफ माइनस 1/4, तो 11 टू दी पावर एलसीएम तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 1 1 जा 1 क्या आ जाएगा, 11 टू दी पावर 1 अपॉन 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट 7 टू दी पावर हाफ इंटू 8 टू दी पावर 1 अपॉन 2, तो यहां पर क्या आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है, वी नो आइडेंटिटी एफ की लगेगी कि जब आपकी पावर इक्वल है, मतलब ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम इज इक्वल टू आएगा आपका ए बी की होल पावर एम, देयरफॉर 7 टू दी पावर हाफ इंटू 8 टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू आएगा आपका 7 इंटू 8 टू दी पावर हाफ मीन्स 56 पावर हाफ, ठीक है। अब 56 को आप चाहो तो अंडर रूट 56 से लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, ये स्क्वायर से छोड़ दो, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 56 लिख सकते हो, ये बात भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, ये आंसर भी आपका पॉसिबल है, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करने के लिए टास्क दिया था कि घर पर इसको ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने किए हो और आप लोगों से डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को ठीक से पढ़ा था, ठीक से समझा था, तो ये ना होने वाले क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई कराने हैं, उन बच्चों का भी ख्याल रखते हुए जिनको नहीं आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर कराए हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं समराइज करूं पूरे वर्क को, तो समरी में हमने क्या क्या सीख लिया। समरी में फर्स्ट पॉइंट आपने सीखा रैशनल नंबर क्या होते हैं, ना, रैशनल नंबर विच नंबर कैन बी कन्वर्टेड इन द पी वाई क्यू फॉर्म एंड पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर क्या पढ़े आपने, रैशनल नंबर पढ़ा विच नंबर डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating non-recurring and called irrational number। ठीक पढ़ा था, यहां से ये बात तो क्लियर हो रही है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तब भी रैशनल है और टर्मिनेटिंग है तब भी रैशनल है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, फिर इरेशनल को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और का मतलब ये हुआ कि अगर आप रैशनल और रैशनल को नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब नंबर लाइन पर जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो रियल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही क्या है, रियल नंबर है। रैशनल को और इरेशनल को किसी एक बॉक्स में डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाला हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने यहां पढ़े थे इरेशनल के कुछ प्रॉपर्टीज, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रैशनल के प्रॉपर्टीज उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर हमने लास्ट में अभी खत्म किया है एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, रेडिकल के प्रॉपर्टीज को। तो ये हमारा बेसिकली ये पूरा चैप्टर रहा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर 1 9th का नंबर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं, आपको मान लीजिए आप आर एस अग्रवाल कर रहे हैं वहां से कोई डाउट आ रहा है, या किसी और टेक्स्ट बुक से कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे डाल सकते हैं कि सर हमारे इस बुक से क्वेश्चन नंबर ये हमें डाउट क्रिएट हो रहा है। चलिए मेरा आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8077641860, ठीक है। ये यहां पर आप मुझसे अगर पर्सनल क्लास भी लेना चाहते हैं, पर्सनल ऑनलाइन क्लास जिसके चार्जेस होंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करने के बाद।
ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।